हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू शिक्षा धाम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोर्स को खरीदने के बाद हम अपनी क्लासेस को कैसे कंडक्ट करें। आपके बड़े सारे डाउट्स होते हैं कोर्स को खरीदने के बाद। नंबर वन, हमें कौन सी क्लासेस को पहले देखना चाहिए। नंबर टू, हम पीडीएफ के असाइनमेंट से कैसे क्वेश्चंस को करें। नंबर थ्री, क्या ये वीडियोस लैपटॉप में चलेंगे, क्या हम इसे डाउनलोड्स कर सकते हैं। नंबर फोर, अगर कुछ क्लासेस पहले हो गई है तो उस क्लासेस के लिए बैकअप कैसे मिलेगा और हम उसको कैसे करें ताकि हम लाइव बैचेस में जुड़ सकें। तो इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आइए आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहाँ पे एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। एप्लीकेशन है, मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। एप्लीकेशन आपने ओपन किया। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने होम पेज का कुछ इस टाइप से इंटरफेस आता है। आप नीचे नीचे डाउन करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ योर परचेज्ड कोर्सेज, जितने कोर्सेज, अगर दो खरीदे हैं तो दो नंबर होगा, तीन खरीदे हैं तो तीन, मैंने आठ खरीद रखे हैं डेमो के लिए तो आठ है। यहाँ पे आपको सारी कोर्सेज दिख जाएंगी। अगर कुछ बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आता क्योंकि नीचे क्लासेस हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो इसके नीचे ये वीडियोज दिख रहे हैं ना, ये सारे आपका कोर्स का हिस्सा तो है लेकिन आपने देखना नहीं है, आपको सीक्वेंस वाइज चलना है कंटेंट में, ये नहीं देखना आपने। इसके नीचे आपको वीडियो जस्ट फॉर यू, तो ये यूट्यूब पे कुछ फ्री वीडियोस डालते हैं वो आपको शो होता है, इसके नीचे फ्री वीडियोस, तो वो नहीं देखना आपने। स्टार्ट कैसे करना है, आपका कोर्स सपोज करो यहाँ पे है, अगर यहाँ नहीं शो हो रहा तो स्टोर पे जब जाएंगे ना आप, तो स्टोर पे भी आपको शो होगा। ठीक है, मान लेते हैं स्टोर से ओपन कर लेते हैं। तो आपको आपका जो कोर्स है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम का, मैंने इस पर क्लिक किया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जब नीचे नीचे ड्रैग करोगे तो बच्चे फिर परेशान होते हैं, सर यहाँ तो तीन ही वीडियोज़ है बाकी कैसे देखें। तो ऊपर देखिए आपके सामने बड़े सारे ऑप्शन आते हैं, तो सबसे पहले आपने जाना है कंटेंट पे। कंटेंट पे जैसे ही जाएंगे तो आपको नीचे क्लासेस दिखने लगेंगे। पहली क्लासेस है कॉस्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब हर एक चैप्टर में हम डालते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, इसमें ये बताया जाता है। तो ये जनरल वीडियो है, इसका स्टडी से लेना देना इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है। अब जो बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग बाय कर रहे हैं, सबसे पहले आ जाएंगे कॉस्ट शीट पे। कॉस्ट शीट यहाँ फोल्डर है, प्रोसेस फोल्डर है, ऐसे ही आगे धीरे धीरे आपको फोल्डर मिलता जाएगा। कॉस्ट शीट पे आपने क्लिक करना है, पहला आपका चैप्टर कंप्लीट करना है जो फर्स्ट नंबर पे डाला है। कॉस्ट शीट में देखेंगे नीचे नीचे ड्रैग करेंगे सारी वीडियोज़ हैं। मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करके तो नहीं दिखा सकता, बीइंग रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से आपको वो ब्लैक शो होगा। स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना एप्लीकेशन में अलाउड नहीं है। हाँ, मैं डाउनलोड, जैसे कॉस्ट शीट फर्स्ट देखा, फिर सेकंड देखा, फिर थर्ड देखा, फिर फोर्थ देखा, मैंने सीक्वेंस से डाला हुआ है। और कॉस्ट शीट के नीचे आपको पीडीएफ भी दिखेगा, ये आपके क्वेश्चन है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं हर बच्चों को बोलूँगा महेश्वरी मित्तल की बुक, चाहे प्रोग्राम का बच्चा हो चाहे ऑनर्स का बच्चा हो, उसने बाय किया होगा, उसी के क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए हुए हैं और 10 ईयर के लिए अलग से मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो आप बुक से ही करें तो सबसे बेस्ट रहेगा और पीडीएफ से आप क्वेश्चन मिला दें। अब डाउनलोड की बात करते हैं। जैसे आप डाउनलोड करते हैं ना, लाइक सपोज करो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ब्लैक स्क्रीन दिखेगा लेकिन कुछ सेटिंग्स बतानी है। जैसे मैं ये प्ले करने जा रहा हूँ वीडियो, देखो सबसे पहले तो मैं आपके सामने देखिए वीडियो प्ले हो गया। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाता है, स्पीड को इंक्रीज करने का, क्वालिटी को एनहांस करने का और पूरे को फुल स्क्रीन करने का, बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप देखेंगे तो इस तरीके से मिलेगा। दूसरा, डाउनलोड के साइड में जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड की फैसिलिटी मैं उन बच्चों को रिकमेंडेशन, कोई भी कर सकता है लेकिन उन बच्चों को रिकमेंडेशन करता हूँ जिन बच्चों के पास डेटा का, मान लेते हैं कभी वाईफाई जोन में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या कहीं भी वाईफाई जोन में जाते हैं, अपना वीडियो डाउनलोड किया और घर पर अगर नेटवर्क का इशू है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को इजिली देख सकते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ डाउनलोड किया तो डाउनलोड में ऑप्शन पूछा है, तो मैं हाई रेजोल्यूशन में जैसे करूँ मैं तो 1920 में हाई रेजोल्यूशन है, ऑप्शन पूछ लेता है। ऑडियो का भी पूछता है, बाकी ऑडियो आप ऑटो रहने दें तो वो बेटर है। ओके करेंगे, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। सर डाउनलोड होके यहाँ वीडियो दिखेगा क्या? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आपको बैक जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट देख रहे हैं आप, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑफलाइन डाउनलोड्स के नाम से है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी वीडियो डाउनलोड होने लग जाती है।
कुछ बच्चे बोलते हैं सर डेटा यूज होता है, आप जब वीडियो को डाउनलोड कर ले तो डेटा ऑफ करके अपनी क्लासेस को देखें। जब डाउनलोड होगा ना तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी देखिए मैं आपके सामने लाइव डाउनलोड कर रहा हूँ और जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, तो तब समझना आपका वीडियो कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे वो डाउनलोड हो रहे हैं। चलिए इतने और कुछ फंक्शन को देख लेते हैं हम, इसको डाउनलोड होने के बाद मैं एक साथ दिखा दूंगा। अब बच्चा बोलता है सर कॉर्पोरेट की क्लास कैसे लेनी है। कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास देखो मैं माई कोर्स में ढूंढ रहा हूँ, मैं मेरा कॉर्पोरेट की क्लास आपके पास तो दो ही होगा, ये कॉर्पोरेट की क्लास है। गए कॉर्पोरेट पे, इनिशियल फेज में अगेन हमें 3 वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन आपने इस सभी वीडियो में नहीं जाना, आपने सीधा जाना है कंटेंट मार्केट में। कंटेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन मिलेगा। इंट्रोडक्शन फिर अगेन सिलेबस से रिलेटेड है, क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है हमें। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 शेयर कैपिटल है, इसके अंदर देखेंगे आप तो वीडियो 0102 सीक्वेंस से है, तो यही आपने करना है। नीचे पीडीएफ भी मैंने बुक का ही पीडीएफ बना के दे दिया है ताकि आपको आसानी रहे अगर आपने रिसेंटली बुक नहीं खरीदा है, बाकी आप बुक खरीद लें। बुक का नाम है J.R. मोगा, आपके नियर बाई कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंट का। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ऑनर्स और प्रोग्राम जरूर देख लें, अगर प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो प्रोग्राम को देखें, ऑनर्स के स्टूडेंट है तो ऑनर्स को देखें। चलिए डाउनलोड का सेम प्रोसेस है, आगे कुछ और फीचर्स। अब लाइव क्लास की बात कर लेते हैं, इसमें लाइव क्लासेस कोई भी नहीं है। मैं आपको जिसमें लाइव के पहले ऑफलाइन डाउनलोड्स को भी दिखा दूं, ये देखिए ऑफलाइन डाउनलोड्स हो चुका है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया है। तो अब आप प्ले करेंगे तो आपको डेटा की जरूरत सबसे नहीं पहले मैं है। अगर अकाउंट्स की बात करूं, अगर ऑफलाइन डाउनलोड्स की बात करें, आपका ये इंटरनल मेमोरी लेगा, इंटरनल मेमोरी के बाद आपका डिवाइस का मेमोरी फुल हो जाता है, तो आप यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आपने रिमूव कर दिया, डिलीट हो गया आपका इंटरनल मेमोरी, फिर एनहांस हो जाएगा। चलिए अगेन और भी फीचर्स देखते हैं। अब एक बच्चे का कंफ्यूजन रहता है कि सीधा वो लाइव क्लास में चले जाते हैं। अब लाइव क्लास में इतनी सारी क्लासेस दिख जाती है बच्चों को, वो परेशान हो जाता है, हम लाइव वाली क्लासेस देखें कि कंटेंट मार्केट वाली। तो मैं जो बच्चा फर्स्ट टाइम बाय करके आता है तो वो लाइव क्लासेस के अंदर ना जाए जब तक मैं रिकमेंडेशन ना दूं, जब तक आप पूरे चैप्टर ना कर ले। तो सबसे पहले कंटेंट में से आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना होगा हर किसी का, उसके बाद आप इसके अंदर लाइव क्लासेस में जाएं। लाइव क्लासेस के अंदर आपकी कौन सी वीडियो है और कंटेंट में कौन सी वीडियो है तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। लाइव क्लासेस के अंदर वो वीडियो होती है, जैसे मैंने लाइव लिया वो इंस्टेंट यहां अपलोड हो जाता है। इसके बाद इस वीडियो में से हम काफी सारे अननेसेसरी चीजों को, जैसे बच्चों के डाउट्स, जैसे मैंने कुछ टाइम होल्ड किया, पॉज किया, बहुत सारी चीजों को फॉर्मेट बनाया, मिटाया, उन सारी चीजों को इस वीडियो से एलिमिनेट कर देते हैं। और यहाँ लाइव क्लास में जो लिया था उसी को हम फिल्टर करके, एडिटिंग करके, ताकि बच्चों का वक्त बिल्कुल भी वेस्ट बर्बाद ना हो, हम कंटेंट में डाल देते हैं। तो लाइव क्लास की जो वीडियो है वो कंटेंट में ऑलरेडी आ जाता है। तो सर लाइव क्लास का फायदा, लाइव क्लासेस के अंदर जैसे सपोज करो आज आप क्लास ले नहीं पाए, लाइव क्लास कंटिन्यू ले रहे थे आप पीछे डेट से, आज ले नहीं पाए, तो आपने बोला सर कल की तो लाइव क्लास हमारी रह गई, हम जॉब पे थे या कहीं गए हुए थे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको वो लाइव क्लास का जो लास्ट क्लास आपका मिस हुआ है सिर्फ उस पर्पस के लिए हमने डाला हुआ है, वो आप देख के कवर करें ताकि कल वाली क्लासेस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमने देखा। इसके बाद अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। जब भी आपका क्लास ऑफ होता है या फिर मुझे कोई नोटिफिकेशन देना है या कोई पीडीएफ देना है तो अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी देखें मैंने पीडीएफ दे रखा है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारा हमारा इसके अंदर क्या है, फीचर्स है, ओवरव्यू पे आ जाते हैं। तो कुछ बच्चों को डाउट था तो मैं अगेन रिपीट कर दूं, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ों को। जो बच्चा फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहा है वो दो कोर्सेज में ज्वाइन हो रहा है। बेसिकली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कुछ बच्चा कॉस्ट में ज्वाइन हो रहा है, कुछ बच्चा कॉर्पोरेट में ज्वाइन हो रहा है। तो जब ज्वाइन होगे तो आपने जो बाहर वीडियो होम पेज पे पढ़ा उसमें नहीं जाना, आपको आपके कोर्स में जाना है जैसे मैंने बताया, और कोर्स में जाने के बाद सीधा कंटेंट पे जाना है। सीधा किस पे जाना है, आपने
कंटेंट पे, उस पे चैप्टर नंबर 1 जो सबसे पहले डला है 01, वहां से आप स्टार्ट करें। आपको लाइव सेक्शन में भी जाने की जरूरत नहीं, और पीडीएफ डला हुआ है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और बुक खरीद लें, मैंने जो वीडियो में बोला है। सेम कॉर्पोरेट के अंदर भी आपको अपने कोर्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपका कोर्स में जब जाओगे तो कंटेंट में जाना है, और कंटेंट में से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें। वेरी सिंपल। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, और भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको उस टाइम पे गाइड कर दूंगा आपको। आप एप्लीकेशन में जाएंगे साइट 3 डॉट पे, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, सीधा कनेक्ट हो जाएंगे आप। तो आप व्हाट्सअप करें, आपको कनेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अच्छे से स्टडी करिए, हर चीज़ों का रजिस्टर अलग अलग मेंटेन करिए। हम मिलेंगे लाइव क्लास में, जिनका 1-2 क्लासेस रह गया है जो स्टार्टिंग से हैं, वो तो लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। टाइम वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।